हाय दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल नीलम शर्मा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने कैप भी लगा रखा है, जैसे तो खैर पहन ही रखी है क्योंकि ठंड ज़्यादा ही है ना इसलिए। और अभी बजे सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ किचन में, तैयारी करूँगी खाने पीने की। खाना लेके जाएगा लंच, उसका दूध भी तैयार करना है। और बच्चे सो रहे हैं, खाना के पापा भी सो रहे हैं, मैं आई किचन में। अभी मैं करती हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि खाना लंच लेके जाएगा ना इसलिए। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी की तैयारी हो चुकी है। हम बनाएंगे आज आलू टमाटर। और ये देखिए, हमारा मसाला भी रेडी है पीसने के लिए। मैं हमेशा सिलबट्टे से ही पीसती हूँ मसाला सारा। और ये है खाना का दूध जो रेडी है। यार वो अभी भी निप्पल से ही दूध पीता है तो खैर बड़ा, पर निप्पल से ही पीता है दूध। अभी ये लोग ना सो रहे हैं, खाना ने दूध पी लिया है और मैं आ गई हूँ निप्पल लेके वापस। वो जरा सी देर में दूध पी लेता है, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे दूध उसका रखना पड़ेगा तब वो पिएगा। तो चलिए अभी मैं मसाला पीसती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये सिलबट्टा ले लिया है और अच्छे से इसे छान लूंगी। दोस्तों ठंड है तो हरी हल्दी आ रही है बहुत ही अच्छी। तो वैसे तो मैं सूखी वाली हल्दी पीसती हूँ जो साबित होती है, और अभी आ रही है तो मैं अभी यही पीसूंगी, इसमें स्वाद अच्छा आता है। दोस्तों ये तैयार होगा, इतनी देर में हम लोग ना आटा फूट लेंगे, आटा तैयार कर लेंगे। इसमें हमारा मसाला तैयार हो रहा है सब्जी का, इसमें हम आटा बना लेंगे। मैं ये वेट नहीं करती कि पहले सब्जी बना लूँ उसके बाद आटा मारूंगी, मैं साथ में ही करती चली जाती हूँ सारे काम अपने, जल्दी भी हो जाता है। फिर बाबू को भी तैयार करना है, उसको भी रेडी करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी उसकी भी चली जाती हूँ काम अपना। मसाला ऐसे करना है दीदी, इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, देखिए आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और इसमें डाल रही हूँ हल्का सा नमक ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों जब तक ये सॉफ्ट होते हैं, जब तक ये सॉफ्ट होंगे तब तक मैं इसे कर लेती हूँ। तो दोस्तों जितने मैंने सब्जी अपनी रेडी की, इतनी देर में मेरा हो चुका है पानी हल्का सा ठंडा, तो मैं ये पी लेती हूँ। पर मैं आपको बता दूँ कि मैं पानी जब भी खड़े होकर नहीं पीती, मैं हमेशा ही पानी बैठ के ही पीती हूँ।
चलिए मैं पी लेती हूँ पानी। मेरा पानी ये ठंडा हो चुका है, और ये जब तक मैं पानी भी कर देती हूँ पानी की बोतल में। ठीक, आना कहता है कि मम्मी सारे बच्चे गर्म पानी लेके आते हैं तो मेरे को भी गर्म पानी दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको भी गर्म ही पानी दे देंगे। तो दोस्तों हमारा आटा भी रेडी है, देखिए। तो अभी मैं जगाऊंगी कान्हा को, लेकिन उससे पहले मैं कान्हा के लिए लंच के दो पराठे, छोटे छोटे से पराठे बनवाता है, तो मैं वो बना के और तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद उसे जगा के रेडी कर दूँगी। ये देखिए कान्हा के छोटे छोटे से पराठे। फिर उसका लंच रेडी हो जाएगा, फिर मैं उसे जगा के उसे तैयार करूँगी। तो दोस्तों कान्हा का लंच हो चुका है रेडी। तो मैं जा रही हूँ उसके बैग की तरफ, तो उसका लंच उसके बैग में रखूँगी, अभी फिलहाल यहाँ रख देती हूँ। भाई ये है कान्हा, पर ये स्कूल जाना नहीं चाहता, देखो गुस्सा इसकी आँखों में भर रही है। हाँ, और जाना नहीं चाहता, कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जबरदस्ती रेडी कर दिया, रो भी लिया। ये सुबह सुबह देखो फोन पे हाथ मार रहा है। भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा क्योंकि आपके हैं एग्जाम। मैं ना हूँ कुछ नहीं होता, जाना है तो जाना है। टोपा लगाओ। तो ये लग गया कान्हा के टोपा, ये हो गया टोप राम। देखो ये ऊपर। एक बार दिखा दे अपना फेस, प्यारा सा फेस दिखा दे मम्मा को। ए मेरा गुड्डा बोलो। तो दोस्तों हम लोग गए थे आज मार्केट, कान्हा के पापा की थी छुट्टी, तो कान्हा को जैकेट लेके आनी थी। उसके पास जैकेट नहीं थी और हम सबके पास जैकेट थी, तो मैंने कहा चलो उसको भी एक जैकेट ले लेते हैं। तो मैं ना सीधी मम्मी के पास निकल गई, उनका फोन आ गया था, तो मम्मी ने मेरे को दिया है बाजरे का आटा। तो मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, देखिए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी जैकेट लेके आई हूँ, पर उससे पहले लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो पहले खाना पीना बना ही लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं ऐसी रोटी बनाती हूँ बाजरे की, छोटी छोटी सी। एक ये मेरी सीख रही है, और मैं ऐसे ही सीखती हूँ हमेशा, एक गैस पे सीखती हुई जाती हूँ और दूसरी गैस पे ये होती हुई जा रही है। और आप कैसे बनाते हो बाजरे की रोटी तो बताना जरूर। ये खा आपको दिखाऊंगी मैं कि मैं क्या क्या लेके आई यार। ओके, तो दोस्तों मैं देने जा रही हूँ मम्मी को बाजरे की रोटी, ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी। तो बताना जरूर कैसी है मेरी रोटी। ओके चलो लो बाजरे की रोटी। आलू की सब्जी रखी है मम्मी, ये चाहिए पतला साग, पर मैंने बनाई है आलू की सब्जी। ये बाबू पी रहा है दूध यार, ये कल चला जाएगा हमारा छोटा सा बेबी। तो देखिए दोस्तों मैं लेके आई थी कान्हा के लिए, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, हम सबको अच्छी लगी। दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज बताना जरूर कैसी लगी, और
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।